गुड इवनिंग बच्चों। हाँ वीडियो क्वालिटी सही है बेटा? तो लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डिस्कस करना है, तो आप एक एक करके नोट करो। फर्स्ट फैक्टर नेचर ऑफ सल्यूट। नेचर ऑफ सल्यूट। अब देखो बेटा, सल्यूट का नेचर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैसे गवर्न करता है। अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को कंसीडर करें, तो इलेक्ट्रोलाइट का सर्टेन पार्ट आयनाइजेबल होता है। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रोलाइट का सारा पार्ट आयनाइजेबल होता है, सारे के सारे एटम अलग हो जाते हैं। ठीक, जैसे मान लो हम बोलते हैं कि हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है। अब सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हमने वाटर वाटर के अंदर अगर ऐड किया है, तो वाटर के अंदर ऐड करने पे वहां पे सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड थोड़ी ब्रेक होगा। वहां पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है। समझा कि नहीं? इसका मतलब अगर देखा जाए तो उसमें जो सल्फेट आयन है वो आयनाइजेबल नहीं है। ठीक है, आयनाइजेबल पार्ट उसका क्या है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरीके से आप कोई भी दूसरा इलेक्ट्रोलाइट को कंसीडर करोगे, तो हर इलेक्ट्रोलाइट का एक आयनाइजेबल पार्ट होता है। ठीक है, तो बोल रहे कि उस आयनाइजेबल पार्ट में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के आयनाइजेबल पार्ट में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएट करने की टेंडेंसी भी उतनी ज्यादा होगी। आई बात समझ में? तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसके आयनाइजेबल पार्ट में प्रेजेंट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। तो आप नोट कर लो, लिखो, एज द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन आयनाइजेबल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस, degree of dissociation of electrolyte also increases. ठीक है, तो अब जैसे देखो, अगर हमने कंसिडर किया है KCl को, पोटेशियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रोलाइट है, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट है सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड। अब देखो, दोनों में एक आयन कॉमन, कौन सा? क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन दोनों में है। ठीक है, अगर आप यहां पे देखो तो यहां पे प्रेजेंट है K पॉजिटिव, और यहां पे क्या प्रेजेंट है? Ag पॉजिटिव। अब हम यहां पे फजांस रूल अप्लाई करेंगे। कौन सा रूल? फजांस रूल। अगर फजांस रूल को यहां पे हम कंसीडर करें, तो इसका जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो है NS2NP6। क्या इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? NS2NP6, 3s2 3p6। क्लियर? 3s2 3p6। अब इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर कंसीडर करें,
तो कॉन्फिगुरेशन है NS2 NP6 ND10 NS2 NP6 ND10 ठीक है। वैसे ये होता है 4S2 4P6 4D10 ठीक। तो अब ये कॉन्फिगुरेशन अगर आप देखो तो क्या है, ये कौन सा कॉन्फिगुरेशन बोलते हैं इसको, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगुरेशन। वेरी गुड, याद है तो ये अच्छी बात ठीक है। तो ये स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगुरेशन है, और ये वाले कॉन्फिगुरेशन क्या है, इनर्ट गैस कॉन्फिगुरेशन ठीक है। तो ये इनर्ट गैस कॉन्फिगुरेशन है और ये स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगुरेशन है। फजान्स रूल में मैंने क्या बताया था आपको, कैटायंस हैविंग स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगुरेशन पजेस ग्रेटर पोलराइजिंग पावर देन दैट ऑफ कैटायन हैविंग इनर्ट गैस कॉन्फिगुरेशन। तो इसका पोलराइजिंग पावर कम है, इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। तो जब पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा तो क्या होगा, कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा। समझ आया कि नहीं, इसका मतलब यहाँ पे परसेंटेज कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है, यहाँ पे कम है। तो अगर परसेंटेज कोवेलेंट करेक्टर कम है मतलब परसेंटेज आयनिक करेक्टर ज्यादा है। तो ऑर्डर ऑफ, ये कोविड वाला नहीं है ठीक है, ऑर्डर ऑफ परसेंटेज आयनिक करेक्टर क्या है, ऑर्डर ऑफ परसेंटेज आयनिक करेक्टर ये है बेटा, KCl इज ग्रेटर देन AgCl। तो फिर बताओ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसका ज्यादा होगा, KCl का ज्यादा। तो KCl होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, AgCl होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, इस बात को नोट कर लो। ड्यू टू दिस फैक्ट KCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, KCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, whereas AgCl is a weak electrolyte, whereas AgCl is a weak electrolyte. अब जरा देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है मिथाइल सल्फोनिक एसिड, मिथाइल सल्फोनिक एसिड, और दूसरा कंपाउंड है एसिटिक एसिड ठीक है। मिथाइल एसिड एंड एसिटिक एसिड। अब आप देखो बेटा आयनाइजेबल पार्ट ये है दोनों का ठीक, दोनों एसिड है ना, तो एच पॉजिटिव दोनों को देना है, तो ये आयनाइजेबल पार्ट है क्लियर। अब आप देखो ये पार्ट दोनों में कॉमन है, जो पार्ट कॉमन है वो कभी डिसाइडिंग नहीं होता क्लियर, जो पार्ट कॉमन है वो डिसाइडिंग नहीं है, हमेशा अनकॉमन पार्ट डिसाइडिंग होगा। तो अब आप देखो ये OH ग्रुप भी दोनों में प्रेजेंट है, तो मतलब ये भी कॉमन पार्ट हो गया, मतलब हमें पूरा फोकस करना किस पे, इधर SO2 पे और इधर CO। अब जरा देखो कार्बन और सल्फर में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सल्फर और कार्बन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सल्फर की ज्यादा है भाई, सल्फर की ज्यादा है कि नहीं ठीक है। तो कार्बन और सल्फर में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन कार्बन
कार्बन। एक तो हमने ये देखा कि भाई इसका सेंट्रल एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसके कंपेयर में। दूसरी बात, डबल बॉन्ड ओ इसमें भी है और डबल बॉन्ड ओ इसमें भी है। तो मैं फिर से वही बात बोल रहा हूं कि जो कॉमन पार्ट है वो डिसाइडिंग नहीं है, क्लियर। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड ओ है जो इसमें नहीं है, है कि नहीं। ये जो एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड ओ है ये क्या करेगा भाई, ये क्योंकि सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक। ये वाला ऑक्सीजन सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। तो अगर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन की तरफ गया तो उससे क्या होगा, सल्फर के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी और बढ़ जाएगी। पहले ही सल्फर कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऊपर से इस ऑक्सीजन के होने से वो और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ गई, समझ आया। अब क्या करेगा ये, अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कम करने के लिए इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, है कि नहीं। तो इससे क्या होगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी और OH बॉन्ड का पोलर करेक्टर बढ़ जाएगा, समझाया कि नहीं। इससे इस OH बॉन्ड का पोलर करेक्टर बढ़ जाएगा क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ रहा है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा तो बॉन्ड का पोलर करेक्टर बढ़ेगा और जो बॉन्ड जितना पोलर होता है उसके ब्रेक होने के चांसेस उतने ज्यादा होते, ठीक है। जो बॉन्ड जितना, देखो पोलर करेक्टर बढ़ने का मतलब एक तरीके से आयनिक करेक्टर का बढ़ना भाई, क्योंकि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना वो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। अगर परफेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड की हम बात करें तो इसका मतलब वो नॉन पोलर बॉन्ड होना चाहिए, जैसे क्लोरीन क्लोरीन के बीच में, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो 100% कोवेलेंट होता है, समझाया कि नहीं। बट अगर बॉन्ड बन गया कार्बन और क्लोरीन के बीच में, बॉन्ड बन गया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, तो क्या वो बॉन्ड भी 100% कोवेलेंट होगा, नहीं होगा। क्यों 100% कोवेलेंट नहीं है, क्योंकि इसमें पोलर करेक्टर है। पोलर करेक्टर किस वजह से आ रहा है, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आई बात समझ में। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ रहा है ना तो इसका मतलब परसेंटेज कोवेलेंट करेक्टर कम हो रहा है, परसेंटेज आयनिक करेक्टर बढ़ रहा है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि परसेंटेज आयनिक करेक्टर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलर करेक्टर ऑफ द बॉन्ड। लिख लो इस बात को, परसेंटेज आयनिक करेक्टर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, परसेंटेज आयनिक करेक्टर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, परसेंटेज आयनिक करेक्टर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज आयनिक करेक्टर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलर करेक्टर ऑफ द बॉन्ड, पोलर करेक्टर ऑफ द बॉन्ड, पोलर करेक्टर ऑफ द बॉन्ड। और वो किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। तो वहां पे लिखना दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। तो अब इससे हमें क्या पता चला भाई, यहां पे पोलर करेक्टर ज्यादा है, मतलब यहां पे परसेंटेज आयनिक करेक्टर ज्यादा है, यहां पे परसेंटेज आयनिक करेक्टर कम है। तो जहां परसेंटेज आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा वहां पे बॉन्ड के ब्रेक होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। तो ये वाला बॉन्ड ज्यादा इजिली ब्रेक होगा, इसका मतलब ये ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। और इसको क्या बोलते हैं, वीक एसिड बोलते हैं, समझ आया। तो इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो बहुत ज्यादा होता है इसके कंपेयर में। मैं आपको बता दूं ये जो एसिड है
ये सल्फ्यूरिक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक होता है। समझ आया कि नहीं? सल्फोनिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन दैट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फोनिक एसिड आर मोर एसिडिक देन दैट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो बेटा फर्स्ट फैक्टर समझ में आ गया सबको, ठीक है, कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के आयनाइजेबल पार्ट में जितना ज्यादा परसेंटेज आयनिक करेक्टर होगा, इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन उतना ज्यादा होगा, मतलब उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। सेकंड फैक्टर लिखो, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो सॉल्वेंट का नेचर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैसे गवर्न करेगा। मैंने आपको एक बात बताई हुई है कि सॉल्वेंट की एक कैरेक्टरिस्टिक है जो सॉल्यूट को डिसॉल्व कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो जो आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है भाई, 1/4πε0 इंटू डी इंटू Q1 Q2 upon R square, ये होता है। अब इसमें ये जो टर्म है इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसको कौन गवर्न करता है, सॉल्वेंट। ठीक, ये मीडियम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है और मीडियम का मतलब सॉल्वेंट। क्लियर, तो यहां पे अगर हम देखें तो ये वाला टर्म जो है ये सॉल्वेंट डिपेंडेंट टर्म। अब आप देख रहे हो कि अगर ये वैल्यू बढ़ती है, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और अगर आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो आयंस आसानी से अलग हो जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा डिसोसिएट करेगा। क्लियर, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट होगा। तो लिख लो, एज द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट इंक्रीजेस, एज द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट इंक्रीजेस, as the dielectric constant of the solvent increases, degree of dissociation of electrolyte, degree of dissociation of electrolyte, degree of dissociation of electrolyte also increases, degree of dissociation of electrolyte also increases। ठीक है, तो अब बात आती है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है, ये भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के पोलर कैरेक्टर पर डिपेंड करता है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जितना ज्यादा पोलर होगा, पोलर मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जितना ज्यादा होगा, ठीक है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जितना ज्यादा होगा उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस बात को लिख लो, लिखो एज द डायपोल मोमेंट, एज द डायपोल मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, एज द डायपोल मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट ऑल्सो इंक्रीजेस, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो अगर सॉल्वेंट का पोलर करेक्टर बढ़ेगा, मतलब सॉल्वेंट का डायपोल मोमेंट बढ़ेगा, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी बढ़ेगा। तो अब जैसे देखो हमारे पास है वॉटर,
हमारे पास है इथेनॉल, हमारे पास है ईथर, ये तीन सॉल्वेंट है, वाटर है, इथेनॉल है, ईथर है। अब अगर आप डायपोल मोमेंट को देखो तो इनमें सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट वाटर का होता है, उससे कम इथेनॉल का होता है और सबसे कम ईथर का, समझ आया कि नहीं? तो अगर हम डायपोल मोमेंट का ऑर्डर को देखें, डायपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, याद ही होगा, केमिकल बॉन्डिंग पीछा नहीं छोड़ेगी, समझ आया कि नहीं? बिना केमिकल बॉन्डिंग के केमिस्ट्री नहीं है, केमिकल केमिस्ट्री है कि नहीं? तो केमिस्ट्री कहीं भी पढ़ रहा है, चाहे आप फिजिकल पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, हर जगह केमिकल बॉन्डिंग है। तो अगर आप म्यू का ऑर्डर को देखें तो क्या है, वाटर के लिए सबसे ज्यादा और ईथर के लिए सबसे कम वैल्यू बता देता हूं भाई, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसके लिए वैल्यू है 81, कितनी है 81, और इसके लिए वैल्यू कितनी है 36, और इसके लिए वैल्यू कितनी है 21, समझ में आया कि नहीं? तो इसका मतलब सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का। तो मान लो आप सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कर रहे हैं वाटर में, इथेनॉल में और ईथर में, सबसे ज्यादा कहां डिसोसिएट होगा, वो वाटर में होगा, और सबसे कम कहां डिसोसिएट होगा, ईथर के अंदर, समझ में? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर हम यहां पे देखें, कोई भी कॉमन इलेक्ट्रोलाइट है, तीनों में हम वन बाय वन डिसॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा वो यहां डिसोसिएट करेगा और सबसे कम यहां डिसोसिएट करेगा, ठीक है? और एक बात और बता दो, अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो उसका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जीरो को टेंड करता है, जीरो नहीं होता है, टेंड करता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी तो कुछ ना कुछ डायपोल इंड्यूस हो जाता है, नहीं होता इंड्यूस डायपोल, इंड्यूस डायपोल, इंड्यूस डायपोल इंटरैक्शन, नाम तो सुना होगा, डिस्पर्सन फोर्सेस, तो उसकी वजह से क्या होगा, कुछ ना कुछ पोलर करेक्टर तो वहां भी रहेगा, आई बात समझ में? तीसरा फैक्टर लिखो बेटा, थर्ड फैक्टर टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या इफेक्ट होना चाहिए टेम्परेचर का भाई, टेम्परेचर बड़ा हो गया तो डिसोसिएट होने की टेंडेंसी बढ़ेगी, है कि नहीं? तो लिख लो, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑलवेज इंक्रीजेस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑलवेज इंक्रीजेस। अगला फैक्टर लिखो, नेक्स्ट फैक्टर डाइल्यूशन, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो उदय सर, एक बार लास्ट स्टेटमेंट रिपीट कर दो प्लीज। आल रिपीट कर देता हूं, लिख लो, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑलवेज इंक्रीजेस, ऑलवेज इंक्रीजेस, ठीक है? अब मैं नेक्स्ट फैक्टर कंसीडर कर रहा हूं, डाइल्यूशन इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। देखो अगर हम एक पहले रिएक्शन लिख करके मैं समझाता हूं आपको, मान लो एक रिएक्शन है जिसमें एक इलेक्ट्रोलाइट हमने कंसीडर किया ए बी, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, वाटर में हमने इसको डिसॉल्व कर दिया, क्या होता है भाई, ये डिसोसिएट कर जाता है, कैटायन बना लेता है और एनायन बना लेता है। अब देखो एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, अब हम उसके अंदर डाइल्यूशन कर रहे हैं, डाइल्यूशन क्या होता है, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक, यहां पे सॉल्वेंट वाटर है तो हम यहां पे वाटर ऐड करेंगे,
तो हमने क्या किया, हमने वाटर ऐड किया, एडिशन ऑफ वाटर। तो अगर वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा बेटा, वाटर ऐड करने से सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा। आप इमीडिएट इफेक्ट समझो, अगर आपने वाटर ऐड किया तो क्या हुआ, सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ गया, मान लो उतने ही आयंस है, आयंस उतने ही है बट सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ चुका है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ चुका है इसका मतलब क्या है, आयंस का सेपरेशन बढ़ गया। अब उतने ही आयंस ज्यादा वॉल्यूम में है ना, इसका बोला आयंस दूर दूर लाई करेंगे। अगर आयंस का सेपरेशन बढ़ा है तो इससे आयंस के बीच में इंटरैक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। समझाए, तो आयंस के बीच में इंटरैक्शन से ये बैकवर्ड रिएक्शन गवर्न हो रही है। ये जो रिएक्शन पीछे की तरफ जा रही है ये कैसे गवर्न हो रही है, ये कैटायन और ये एनायन इंटरैक्ट करके इलेक्ट्रोलाइट को वापस प्रोड्यूस करते। समझाए, तो इसका मतलब ये जो बैकवर्ड रेट होगा, ये बैकवर्ड रेट आयंस के इंटरैक्शन पे डिपेंड करेगा, और वो इंटरैक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। भाई सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ाया आपने, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ने से क्या हुआ, आयंस का सेपरेशन बढ़ गया। आयंस का सेपरेशन बढ़ गया तो आयंस के बीच में इंटरैक्शन कम हो गया, तो मतलब बैकवर्ड रेट डिक्रीज कर गया। बट फॉरवर्ड रेट पे क्या कोई इफेक्ट होगा, फॉरवर्ड रेट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। मतलब जब आप वाटर ऐड करोगे तो वाटर ऐड करने पर बैकवर्ड रेट डिक्रीज करेगा, ठीक, बट फॉरवर्ड रेट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आई बात समझे, अगर मान लो पहले एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश था, एक इक्विलिब्रियम पहले एस्टैब्लिश था, तो क्या सिचुएशन रही होगी, फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट बराबर रहे होंगे। ठीक है, इनिशियली अगर इक्विलिब्रियम था तो इक्विलिब्रियम होने का मतलब है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट बराबर रहे होंगे। उसके बाद हमने वाटर ऐड किया, तो वाटर ऐड करने से हुआ क्या, बैकवर्ड रेट डिक्रीज कर गया बट फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट है। तो अगर फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट है तो क्या होगा बेटा, अब आप ये बोलोगे कि फॉरवर्ड रेट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बैकवर्ड रेट। क्लियर, फॉरवर्ड रेट बिकम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ बैकवर्ड रेट। तो क्या अभी इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम तो तब होता ना जब दोनों रेट बराबर होते, तो अब दोनों रेट को बराबर लाना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, बैकवर्ड रेट को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, बैकवर्ड रेट को बढ़ाना पड़ेगा जिससे कि वो फॉरवर्ड रेट के इक्वल हो जाए। तो बैकवर्ड रेट कब कब बढ़ेगा बोलो, अरे बैकवर्ड, हाँ क्या क्या बोल रहे भाई, चलो कोई बात नहीं, हाँ बैकवर्ड रिएक्शन होगी। तो बैकवर्ड रिएक्शन के होने की पॉसिबिलिटी कब ज्यादा होगी, बैकवर्ड रिएक्शन के होने की पॉसिबिलिटी कब ज्यादा होगी बोलो, जब आयंस इंटरैक्ट करें, जब ज्यादा आयंस प्रेजेंट होंगे, जब आयंस का सेपरेशन कम होगा, है कि नहीं, आयंस का सेपरेशन कम कब होगा, जब ज्यादा आयन होंगे, ज्यादा भीड़ होगी। आई बात समझे, इसका मतलब कि आपको क्या करना है, बैकवर्ड रेट बढ़ाना है दोबारा से इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश करने के लिए। ठीक, तो बैकवर्ड रेट बढ़ाने के लिए आपको आयंस का नंबर बढ़ाना पड़ेगा, और आयंस का नंबर अपने आप से थोड़ी बढ़ जाएगा। आयंस का नंबर कब बढ़ेगा, जब इसका डिसोसिएशन बढ़ेगा, मतलब तो फॉरवर्ड रिएक्शन तो कांस्टेंट रहेगी ना, क्यों कांस्टेंट रहेगी, ये सॉलिड है, समझ रहे हो कि नहीं, ये सॉलिड है तो फॉरवर्ड रेट तो इस पे डिपेंड करेगा, इसका एक्टिव मास यूनिटी है। आई बात समझे, तो फॉरवर्ड रेट को आप नहीं बदल पाओगे, आपको बैकवर्ड रेट को बदलना होगा, तो बैकवर्ड रेट को आपको बढ़ाना पड़ेगा,
तो बढ़ाने के लिए आयंस का नंबर बढ़ाना पड़ेगा। तो आयंस का नंबर कैसे बढ़ेगा, जब इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा डिसोसिएट होगा। आई बात समझे? इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला कि अगर आप किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हो तो डाइल्यूशन से इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करता है। लिख लो इस बात को, लिखो ऑन डाइल्यूटिंग अ सॉल्यूशन degree of dissociation of electrolyte always increases। आगे लिखो, at infinite dilution, dissociation of all electrolyte is complete. At infinite dilution, dissociation of all electrolyte is complete. ठीक है, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों का कंप्लीट डिसोसिएशन होगा जब सॉल्यूशन इनफाइनाइटली डाइल्यूट होगा। ये इनफाइनाइटली डाइल्यूट होने का क्या मतलब है? जब सॉल्वेंट बहुत ज्यादा अमाउंट में है, सॉल्यूट का अमाउंट जब निग्लिजिबल है सॉल्वेंट के कंपेयर में, तो हम उसको इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। समझ गए? तो जब सॉल्यूशन इनफाइनाइटली डाइल्यूट होगा तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, ध्यान देना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो डिसोसिएशन नॉर्मल डाइल्यूशन पे ही कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसोसिएशन है वो डाइल्यूशन के साथ बढ़ता जाता है। तो जब सॉल्यूशन इनफाइनाइटली डाइल्यूट होगा तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। इनफैक्ट इस कंसेप्ट को भी हम लोग आगे यूज करेंगे पीएच डिटरमिनेशन। समझा कि नहीं? जैसे एसिटिक एसिड है तो एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, ठीक है। लेकिन अगर कोई एसिटिक एसिड सॉल्यूशन है जहां पे उसका कंसंट्रेशन बहुत कम है, मान लो एसिटिक एसिड का हमने 10^-7 मोलर सॉल्यूशन ले लिया, 10^-6 मोलर सॉल्यूशन ले लिया, तो ऐसे सॉल्यूशन को आप ऑलमोस्ट इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन मान करके चलोगे। क्यों? क्योंकि एक लीटर सॉल्यूशन में 10^-5 मोल, 10^-6 मोल, 10^-7 मोल प्रेजेंट। अब जरा उसको मास में कन्वर्ट करके देखना। मैं बोल रहा हूं कि 10^-6 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन है। क्लियर? तो 10^-6 मोलर का मतलब एक लीटर में 10^-6 मोल एसिटिक एसिड का है। और एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास अगर आप देखो कितना है, CH3COOH, 2 कार्बन 24, 4 हाइड्रोजन 28 और 2 ऑक्सीजन 32, 60 है। ठीक? अगर 10^-6 मोलर सॉल्यूशन हमने बोला है तो मतलब क्या है, 10^-6 मोल इन 1 लीटर, इसका बोला 60 × 10^-6 ग्राम इन 1 लीटर, मतलब कितना ग्राम, 6 × 10^-5 ग्राम इन 1 लीटर, मतलब 0.00006 ग्राम इन 1 लीटर। समझ में आया कि नहीं? तो इसको तो डाइल्यूट ही बोलना पड़ेगा ना, इनफाइनाइटली डाइल्यूट बोलना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, यहां पे एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कंप्लीट होगा। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर आपसे बोले कितना होगा तो आप बोलोगे 10^-6 बोला। समझा है? अब हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट और इस सब से कोई मतलब नहीं है, भले वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है बट क्योंकि सॉल्यूशन इनफाइनाइटली डाइल्यूट है या उसके क्लोज है, तो हम वहां पे कंप्लीट डिसोसिएशन मान करके हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन वैल्यू पता करेंगे और फिर उसे पीएच निकाल देंगे। आई बात समझ में? कई बार ऐसा होता है कि हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, हमें पता है कि ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है,
और आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मतलब पीएच निकालना पड़ेगा आपको, पीएच निकालने के लिए आपको लग रहा है कि यहां तो डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन होना चाहिए और वो नहीं गिवन है, ठीक। तो अब नहीं गिवन है तो आपको लगता है कि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, तो आपको उसको इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन नहीं बोलना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या ये सोल्यूशन डाइल्यूट तो नहीं है। अगर सोल्यूशन डाइल्यूट है तो भले ही ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है बट डिसोसिएशन उसका कंप्लीट हो रहा होगा, और अगर उसका डिसोसिएशन कंप्लीट है तो इलेक्ट्रोलाइट के कंप्लीट डिसोसिएशन से जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होना चाहिए वो निकाल करके आप वहां से पीएच निकाल, समझा कि नहीं। तो मतलब वहां पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत है, इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है बल्कि कॉन्सेप्चुअली आप गड़बड़ कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट लिखो, नेक्स्ट फैक्टर, नेक्स्ट फैक्टर, फिफ्थ फैक्टर, फिफ्थ फैक्टर लिखो, कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, कॉमन आयन इफेक्ट क्या है पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आपको। देखो बेटा जैसे एसिटिक एसिड का एक डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम है, मतलब एसिटिक एसिड को हमने वाटर में ऐड किया है, ऐड किया तो क्या बन गया, एसिटेट आयन बन गया और हाइड्रोजन आयन बन गया, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है। अब हमने क्या किया भाई, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने के बाद बाहर से एक स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐड कर दिया, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, हमने इसी इक्विलिब्रियम में HCl ऐड कर दिया, HCl ऐड कर दिया तो क्या होगा, इसका डिसोसिएशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा, ठीक है। तो अब वहां पे HCl के डिसोसिएशन से हाइड्रोजन आयन का नंबर बढ़ गया, अब हाइड्रोजन आयन का नंबर बढ़ गया तो आप देख रहे हो कि दोनों के बीच में हाइड्रोजन आयन कॉमन है, इसके और इसके बीच में ये वाला आयन कॉमन है, तो जब आपने इसको ऐड किया तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया, और इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया मतलब फर्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ गया, फर्स्ट रिएक्शन का ये प्रोडक्ट है ना, इसके ऐड करने से क्या हुआ, इसका कंसंट्रेशन बढ़ा, मतलब यहां पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ गया मींस प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो ली चैटेलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम को किधर जाना चाहिए, बैकवर्ड जाना चाहिए, समझाए कि नहीं। तो इसकी वजह से क्या होगा, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा, और बैकवर्ड शिफ्ट होने का मतलब क्या है, इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, मतलब इसका डिसोसिएशन कम हो जाएगा, समझाए कि नहीं। तो इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकला कि ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्या बोल रहा हूं मैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे ऑब्जर्व नहीं होता, समझा कि नहीं। कॉमन आयन इफेक्ट हमेशा वीक इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर ऑब्जर्व होता है, किसकी वजह से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वजह से भी हो सकता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट की वजह से भी हो सकता है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर दूसरे वीक इलेक्ट्रोलाइट की वजह से कॉमन आयन इफेक्ट हो सकता है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर दूसरे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वजह से कॉमन आयन इफेक्ट हो सकता है, बट कभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वजह से या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर वीक इलेक्ट्रोलाइट की वजह से कॉमन आयन इफेक्ट नहीं ऑब्जर्व होता। आई बात समझ में, तो लिख लो इस बात को, लिखो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट,
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू कॉमन एन इफेक्ट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑलवेज डिक्रीजेस, ऑलवेज डिक्रीजेस. आगे लिखो, हाउएवर कॉमन एन इफेक्ट इज ऑब्जर्व, however common an effect is observed only on weak electrolyte, however common an effect is observed only on weak electrolyte. ठीक है, तो अगर आपसे कोई बोले कि भाई HCl है, HCl है, एसिटिक एसिड को बाहर से ऐड कर दिया, common an effect ऑब्जर्व होगा क्या? नहीं होगा. एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड सॉल्यूशन है, HCl ऐड कर दिया, होगा? ठीक. सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन है, HCl ऐड कर दिया, नहीं होगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर कॉमन एन इफेक्ट नहीं ऑब्जर्व होगा. समझ आया कि नहीं? अगर होगा भी तो वो निग्लिजिबल होता है, इसलिए हम बोलते हैं नहीं ऑब्जर्व होता. लेकिन हाँ, एक चीज और बता दूं आपको, सल्फ्यूरिक एसिड है प्योर फॉर्म में, प्योर सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, वाटर नहीं है उसमें, उसमें HCl डाल दो. अच्छा, प्योर सल्फ्यूरिक एसिड अगर है तो वो डिसोसिएट होगा क्या? प्योर सल्फ्यूरिक एसिड है, डिसोसिएट होगा? क्यों नहीं हो सकता है? सेल्फ आयनाइजेशन नहीं होता है, प्योर वाटर का आयनाइजेशन नहीं होता है. अरे, प्रोटॉन ट्रांसफर थ्योरी पढ़ी थी ना, तो उसमें सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर नहीं पढ़ा, ऑटो प्रोटोलिसिस, वाटर प्लस वाटर गिव्स हाइड्रोनियम एन प्लस हाइड्रोक्सिल एन, अमोनिया प्लस अमोनिया गिव्स अमोनियम एन प्लस अमाइड एन, ये सब फालतू भी लिख दिया था. होता है, सेल्फ आयनाइजेशन भी होता है, लेकिन बहुत कम होता है. समझा है कि नहीं? तो इसीलिए प्योर वाटर जो है ना, प्योर वाटर वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है. बोलते ना, प्योर वाटर से बिजली पास कर दोगे क्या? नहीं, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बढ़ाने के लिए बाहर से इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने पड़ते. बात समझ में आई? क्योंकि आयंस वहां पे निग्लिजिबल अमाउंट में, और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन तो आयन ही कराएगा ना, तो आयन तो वहां पे निग्लिजिबल अमाउंट में है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होगा तो वो इतना वीक होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा. बिजली के झटके नहीं लगते प्योर वाटर में, कभी एक्सपेरिमेंट करके देखना. लेकिन वाटर के अंदर आप इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, सोडियम क्लोराइड डाल दो, फिर जरा देखो, पूरी फील आ जाएगी एकदम. क्लियर? तो अगर प्योर सल्फ्यूरिक एसिड है बेटा, तो प्योर सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना, वो डिसोसिएट होगा, लेकिन वो इतना कम डिसोसिएट होगा कि उसके होने का कोई मतलब नहीं. बट अगर वही सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन है तब क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन है तो वो पूरा डिसोसिएट हो जाएगा. आई बात समझ में? तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड है और उसके अंदर आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड कर दिया, तो कोई कॉमन एन इफेक्ट नहीं होगा, मतलब देयर इज नो सिग्निफिकेंट कॉमन एन इफेक्ट. प्रैक्टिकल सेंस में बात करें, नो कॉमन एन इफेक्ट. क्लियर? थियोरेटिकली बात नहीं कर रहे, प्रैक्टिकली बात कर रहे, तो कॉमन एन इफेक्ट नहीं ऑब्जर्व होगा. बट अब आप देखो, एसिटिक एसिड सॉल्यूशन है, उसमें आपने फॉर्मिक एसिड को ऐड कर दिया, क्या होगा? कॉमन एन इफेक्ट होगा, क्योंकि फॉर्मिक एसिड वीक एसिड है, बट वीक एसिड के ऊपर कॉमन एन इफेक्ट दिखा सकता है. ठीक है, मतलब ये क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है बेटा, कि कब कॉमन एन इफेक्ट होगा और कब कॉमन एन इफेक्ट नहीं होगा. तो हो गया क्लियर? सबको क्लियर हो गया भाई? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया?
ठीक है, चलो। अब इसी तरीके से एक और इफेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कंजुगेट आयन इफेक्ट। इसी का उल्टा इफेक्ट होता है, कंजुगेट आयन इफेक्ट बोलते हैं। लिख लो, कंजुगेट आयन इफेक्ट, कंजुगेट आयन इफेक्ट। नोट करो बेटा, लिखो, ड्यू टू कंजुगेट आयन इफेक्ट, ड्यू टू कंजुगेट आयन इफेक्ट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑलवेज इंक्रीजेस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑलवेज इंक्रीजेस। पिछले वाले में डिक्रीजेस लिखा हुआ है ना, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ऑलवेज डिक्रीजेस है। हाँ ठीक, ऑलवेज डिक्रीजेस और यहां पे ऑलवेज इंक्रीजेस। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे देखो, अगर हमारे पास एसिटिक एसिड है, ठीक है, एसिटिक एसिड को हमने कंसीडर किया, और इसके अंदर हमने NaOH ऐड कर दिया, या आप इसको ऐसे लिखो, पहले एसिटिक एसिड है, इसका एक डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ है, डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड है। अब हमने क्या किया, NaOH ऐड कर दिया। NaOH ऐड करने पे क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, NaOH पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस कर रहा है। आप देखो होगा क्या, ये जो हाइड्रोजन आयन है और ये हाइड्रोक्सिल आयन, ये जब मिलते हैं तो क्या बन जाता है भाई, वाटर बन जाता है। समझ में आया कि नहीं, मतलब OH नेगेटिव जो प्रोड्यूस हुआ वो अपने अमाउंट के बराबर H पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो इससे क्या होगा, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कम होगा, और H पॉजिटिव कंसंट्रेशन अगर कम होगा तो उसको कंपनसेट करने के लिए क्या करना होगा, इक्विलिब्रियम जाएगा फॉरवर्ड। इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाने का मतलब एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन इंक्रीज कर गया। आई बात समझ में, इसका मतलब हाइड्रोजन आयन का कंजुगेट आयन कौन है, हाइड्रोक्सिल आयन। समझ में आया कि नहीं, अगर कोई आयन एसिडिक है ना तो उसका कंजुगेट आयन बेसिक होगा, ठीक है। तो आप इस बात को लिख लो, लिखो, various conjugate ion pairs are H positive and OH negative, ठीक है, H positive and NH2 negative, H positive and NH2 negative, H positive and CN negative, ठीक है, H positive and CN negative। इसी तरीके से देखो, सिल्वर आयन एंड क्लोराइड, यहां पे मैं जनरल सेंस में लिख रहा हूं, हैलाइड आयन, सिल्वर आयन एंड हैलाइड आयन एक्सेप्ट फ्लोराइड आयन। फ्लोराइड आयन को क्यों अलग कर दिया भाई, क्योंकि जो सिल्वर फ्लोराइड बनता है ना वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, AgF क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, बाकी AgCl, AgBr, AgI ये सब क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं,
ठीक है। तो जैसे कोई सोल्यूशन है उसमें सिल्वर आयन प्रेजेंट है, आपने क्या किया बाहर से हैलाइड आयन ऐड कर दिया, तो जैसे ही आप हैलाइड आयन ऐड करोगे वो क्या करेगा, वो सिल्वर आयन के साथ कंबाइन करके प्रेसिपिटेट बना लेगा, मतलब एक तरीके से सिल्वर आयन को उसने सोल्यूशन से अलग कर दिया। तो अगर सिल्वर आयन सोल्यूशन से अलग हो गया तो उसको कंपनसेट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट और डिसोसिएट करेगा, आई बात समझे, या इसी का उल्टा आप समझ सकते हो हैलाइड आयन के साथ, कि एक इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोसिएट करके हैलाइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है, आपने बाहर से सिल्वर आयन ऐड कर दिया, सिल्वर आयन ऐड करोगे तो क्या होगा, सिल्वर आयन हैलाइड आयन को प्रेसिपिटेट बना करके अलग कर लेगा, तो हैलाइड आयन कंसेंट्रेशन कम होगा, तो उसको कंपनसेट करने के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट जिसकी वजह से हैलाइड आयन बना था वो और डिसोसिएट होगा, समझा है। इसी तरीके से देखो, अगर हमारे पास बेरियम आयन है और सल्फेट आयन, बेरियम आयन एंड सल्फेट आयन, जैसे ही सल्फेट आयन किसी सॉल्यूशन के अंदर सल्फेट आयन है, अगर आपने बाहर से जैसे ही बेरियम आयन को ऐड कर दिया इमीडिएट व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है, क्लियर। तो ये भी कंजुगेट आयन से। इसी तरीके से अगर हम कंसीडर करें, मान लो हमारे पास पर मैग्नेट आयन है, आपको पता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, और सॉल्यूशन में मान लो ऑक्सलेट आयन पहले से प्रेजेंट है, ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जैसे ही आप ऑक्सलेट सॉल्यूशन में पर मैग्नेट आयन को ऐड करोगे इमीडिएटली क्या होगा, वो इसको ऑक्सीडाइज करके CO2 बना देगा, समझा कि नहीं। इसका मतलब इसका कंसंट्रेशन कम होगा तो इलेक्ट्रोलाइट और डिसोसिएट करेगा, समझा। तो ये सब क्या है, ये सब कंजुगेट आयन पेयर्स। कहीं भी अगर कंजुगेट आयन इफेक्ट ऑफ होता है तो कंजुगेट आयन इफेक्ट क्या करेगा, हमेशा इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन को इंक्रीज करेगा। बात समझ में आई। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखो तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को गवर्न करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर, डाइल्यूशन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट एंड कंजुगेट आयन, ठीक है। तो ये छह फैक्टर्स हैं जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को गवर्न करते हैं। अब अपने को नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ देखो, दिस लॉ इज बेस्ड अपॉन, सर आपकी आवाज कम आ रही है, दिस लॉ इज बेस्ड अपॉन क्या अभी आवाज क्लियर नहीं है क्या? एक मिनट रुकियो, कुछ तो ठीक लग रहा है। अभी कुछ ठीक हुआ? बोलो बेटा,
अभी कुछ इंप्रूव हुआ पहले से? नहीं, राकेश को क्लियर है, यही सुन रहा है लगता है। अच्छा क्लियर है पर लो है, अच्छा तो लो को हाई कर रहा है, अच्छा ये कैसे होता है भाई? लो को हाई कैसे किया जाए? माइक एडजस्ट कर लूं? ये सब तो आज तक किया ही नहीं। अब मैं कुछ नहीं कर सकता अभी, ठीक है? अभी कुछ हाई हुआ या नहीं? चलो बढ़िया है। क्या बता रहा तुम्हें? ऑक्सवर्ड डाइल्यूशन लॉ। क्या लिखवाया ऑक्सवर्ड डाइल्यूशन लॉ में? हाँ चलो ऑक्सवर्ड डाइल्यूशन लॉ के बारे में फिर से लिखो। देखो दिस लॉ इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन एंड आर्मीनियस थियोरी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन। दिस लॉ इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ मास एक्शन एंड आर्मीनियस थियोरी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन। आगे लिखो इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल नहीं। आप फिर से देखो, अगर हम एक वीक एसिड को कंसिडर करते हैं तो लिखो कंसिडरिंग अ वीक एसिड डिसॉल्व्ड इन वॉटर। तो मान लेते हैं कि एक वीक एसिड है HA, इसको हमने वॉटर में डिसॉल्व कर दिया, क्या होगा भाई? ये वीक एसिड डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट होकर के ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा और एसिड एनायन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है? मान लेते हैं कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब इस डिसोसिएशन रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KA है, ठीक? A स्टैंड फॉर एसिड, A यहां पे क्या है इसका मतलब? एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ठीक है? अब देखो अगर T इज इक्वल टू जीरो पे हमने ये एज्यूम किया कि एसिड का कंसेंट्रेशन है C, ठीक? T इज इक्वल टू जीरो पे मतलब प्रोसेस के स्टार्ट में एसिड का कंसेंट्रेशन क्या है? C है, और आयंस का कंसेंट्रेशन क्या है? जीरो। इक्विलिब्रियम आ गया। अगर मान लो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा, ठीक, तो इसका जो कंसेंट्रेशन बचेगा वो कितना होगा? C into 1 minus alpha। हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म्स में इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन को लिख रहे हैं।
तो C into 1 minus alpha, मतलब कितना dissociate हुआ ये C alpha, ठीक C alpha, तो अगर इसका C alpha consume हुआ तो इसका C alpha produce होना चाहिए और इसका भी C alpha produce होना चाहिए। अब आपको एक chapter में एक flow दिखेगा, ठीक है। अब इसके बाद numerical portion start होते हैं, तो ये इनका equilibrium concentration हो गया। अब हम लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करते हैं, तो फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन, फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन क्या लिखेंगे, के इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इनटू ए नेगेटिव कंसेंट्रेशन अपॉन H A concentration, K is equal to hydrogen ion concentration into A negative concentration upon H A concentration। आप बोलोगे भाई यहां एक्वस भी तो है, इसको हमने क्यों नहीं लिया, इसको इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसका जो कंसेंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहेगा, उसके कंसेंट्रेशन में चेंज नहीं आएगा, मतलब सिचुएशन वैसी है जैसे सॉलिड की, सॉलिड का जो एक्टिव मास होता है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसीलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कंसंट्रेशन से वो इंडिपेंडेंट होता है, उसको हम कंसीडर नहीं करते। तो सिमिलर सिचुएशन वाटर की भी, ठीक है। तो ये आ गया के का एक्सप्रेशन। अब ये सब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन वैल्यूज है जो हमने यहां पे लिखा हुआ है, इसको पुट कर देते हैं। तो अगर हम इसको पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो आ जाएगा C अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन C इंटू वन माइनस अल्फा, ठीक है। तो आप देखो ये एक C से ये C कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया C अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा, तो K आ गया K is equal to C alpha square upon 1 minus alpha, ठीक है। Dissociation constant of acid is equal to C alpha square upon 1 minus alpha। अब यहां पे देखो sometimes ये alpha 1 के compare में neglect हो जाता है और sometimes इसको हम consider करते हैं, तो कब हम alpha को neglect करेंगे और कब हम alpha को consider करेंगे, ये बड़ा important। बोलते हैं कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन, ठीक है, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन 8% या उससे कम हो रहा है, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन 8% और लेस है, ठीक, तो सिचुएशन में हम अल्फा को 1 के कंपेयर में नेग्लेक्ट कर, ठीक, अल्फा को 1 के कंपेयर में नेग्लेक्ट करके हम एनालिसिस करते हैं। लेकिन अगर उसका डिसोसिएशन 8% से ज्यादा है तो फिर अल्फा को कंसीडर करके हम कैलकुलेशन करें, ठीक। तो यहां पे क्या है, इफ अल्फा इज लेस देन आर इक्वल टू 0.08, इफ अल्फा इज लेस देन आर इक्वल टू 0.08 देन 1 minus alpha is approximated as 1, ठीक है, 1 minus alpha is approximated as 1, तो फिर क्या हो जाएगा, this implies k is equal to c alpha square, k is equal to c alpha square, तो यहां से क्या जाएगा, alpha is equal to अंडर रूट ऑफ के ए बाय सी, ये आ जाता है, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाय सी। आते ना देखो इक्विलिब्रियम पे हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन क्या है बेटा, सी अल्फा, ठीक है, और अल्फा हमने ये निकाला है, मान करके चल रहे कि अप्रोक्सीमेशन होल्ड कर रहा है, ठीक है, तो अल्फा हमने ये निकाला है, तो अब हम यहां से अल्फा को इसमें पुट करके हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं,
ठीक है, तो देयरफॉर एट इक्विलिब्रियम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, देयरफॉर एट इक्विलिब्रियम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन is equal to C into under root of K by C. ठीक है, C into under root of K by C, यानि कि root K C. बट ये ध्यान देना, ये सारे रिजल्ट कब एप्लीकेबल है, जब ये होल्ड करेगा. अगर इसी को कंसीडर करने में आपने गड़बड़ कर दी ना, तो सब गलत होना है. इसलिए ये पहले इंश्योर कर लेना कि अल्फा वैल्यू 8% से 8% या उससे कम. तो जब 8% या उससे कम है, तो ये सब रिजल्ट फर्स्ट क्लास होल्ड करेंगे. के को आप सी अल्फा स्क्वायर लिख सकते हो, अल्फा अंडर रूट ऑफ के बाई सी हो जाएगा, और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KC. ठीक है, लेकिन अगर ये अप्रोक्सीमेशन नहीं होल्ड करता है, तब क्या होगा भाई? देखो, इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 0.08, इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 0.08, देन क्या होगा भाई? फिर कोई दूसरा रास्ता नहीं, इसको यूज करो. देन के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. तो फिर यहां से बेटा देखो, एक क्वाड्रेटिक बनेगी. सी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के माइनस के अल्फा, यानी कि बन जाएगा सी अल्फा स्क्वायर प्लस के अल्फा माइनस के इज इक्वल टू 0. ठीक है, सी अल्फा स्क्वायर प्लस के अल्फा माइनस के इज इक्वल टू 0. और फिर आपको इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके अल्फा निकालना हो. निकालो. हाँ, फिर अल्फा से एच पॉजिटिव निकले. सर, हम इधर सीमेंट कितना है करके उधर भी सीमेंट कर सकते हैं, वो काम भी करते हैं, टेंशन मत. देखो, तो अगर हम यहाँ से अल्फा निकाले, तो ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे के माइनस के प्लस माइनस माइनस के प्लस माइनस अंडर रूट में के स्क्वायर प्लस 4 के सी अपॉन 2 सी. ठीक है. अच्छा देखो, अल्फा नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, 0 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए. ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर यहां पे माइनस साइन ले लिया, तो ये सब नेगेटिव हो जाना, तो प्लस साइन होना चाहिए. अच्छा, आप देखो, ये सी को यहां ले आओ, तो सी अल्फा, सी अल्फा क्या है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. तो therefore at equilibrium hydrogen ion concentration is equal to C alpha, and this is equal to minus K so this is equal to माइनस के प्लस अंडर रूट में के स्क्वायर प्लस 4 के सी बाय 2.
ठीक है, तो विदाउट अप्रोक्सीमेशन ये रिजल्ट, विथ अप्रोक्सीमेशन ये रिजल्ट, हर कोई चाहता है कि यही वाला रिजल्ट अप्लाई हो, और इसीलिए ये नहीं भी अप्लाई होना होता तब भी अप्लाई करते, और फिर लड्डू देख करके आते हैं। तो ये हो गया डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड, ठीक है। एग्जैक्टली इसी तरीके से आप वीक बेस का डिसोसिएशन की भी एनालिसिस करो, ठीक। वहां पे क्या होगा, BOH प्लस एक्वस गिव्स बी पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा, KB, B स्टैंड फॉर बेस, बाकी सब कुछ ऐसे ही होगा, C 0 0 C into 1 minus alpha C alpha C alpha, यहाँ पे KB, KB का expression लिखोगे तो वो B positive concentration into OH negative concentration upon BOH concentration हो जाएगा। values को put करोगे similar expression आता है, KB is equal to C alpha square upon 1 minus alpha, approximation criteria भी same, ठीक है। तो अगर approximation hold कर रहा है तो यहाँ पे इसकी जगह पे OH नेगेटिव कंसेंट्रेशन आ जाएगा, तो OH नेगेटिव कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KBC, कौन बोलेगा करोगे है कि नहीं, तो OH नेगेटिव कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KBC, ठीक। और अगर अप्रोक्सीमेशन नहीं होल्ड करेगा तो फिर OH नेगेटिव कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस KB प्लस अंडर रूट में KB स्क्वायर प्लस 4 KBC by 2, अब आप लिखो relative acidic strength, relative acidic strength of two weak acids, relative acidic strength of two weak acids तो देखो बेटा, आपको पता है कि acidic strength is directly proportional to hydrogen ion concentration produced, acidic strength is directly proportional to hydrogen ion concentration produced, थोड़ा और अच्छे से बात करें तो per gram equivalent of acid, ठीक है। एसिड का 1 ग्राम इक्विवेलेंट को अगर हमने कंसीडर किया तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट के करस्पोंडिंग वो जितना हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्रोड्यूस करता है उसके बेसिस पे उसका एसिडिक स्ट्रेंथ मेजर होगा। अलग-अलग एसिड का 1-1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में जो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग एसिड, ठीक है, और उस तरीके से हम एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करते हैं। So, acidic strength is directly proportional to hydrogen ion concentration produced, or hydrogen ion concentration produced, अभी आपने क्या लिखा भाई, under root of KC, है कि नहीं। अब हम दो acids का relative acidic strength को determine करना चाहते हैं, ठीक है। तो मान लो हमारे पास दो acid है, HA है और HB है, क्लियर। इसका कंसंट्रेशन है K1, इसका कंसंट्रेशन है K2, कंसंट्रेशन हमने दोनों का बराबर ले लिया है कि नहीं, तो कंसंट्रेशन हमने दोनों का बराबर ले लिया। अब दोनों का कंसंट्रेशन जरूरी नहीं है कि बराबर हो, अनइक्वल भी हो सकता है, तो हमने दोनों का कंसंट्रेशन को इक्वल ले लिया और अब हम इनका रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ
डिटरमाइन करना चाहते हैं। तो रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एच ए एंड एच बी, इसको बेटा इसको रिप्रेजेंट करते हैं समटाइम्स बीटा से, वैसे कोई स्टैंडर्ड नहीं है, मैं कोई सिंबल नहीं ले रहा हूं उसके लिए। तो रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एच ए एंड एच बी इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय एच ए अपॉन हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय एच बी। ठीक है, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट एसिड अपॉन हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय सेकंड एसिड, और हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। ठीक है, तो फिर हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के ए वन सी अपॉन अंडर रूट ऑफ के ए टू सी। ठीक है, यानी कि ये क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ के वन अपॉन के टू। तो ये हो गया रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन। अगर मान लो कंसेंट्रेशन वैरी कर रहा है तब क्या हो जाएगा, रूट के वन सी वन अपॉन के टू सी। ठीक है, रूट के वन सी वन अपॉन के टू सी। जैसे अपने रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ लिखा हुआ है ऐसे रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ टू वीक बेसिस, ठीक है, रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ टू वीक बेसिस, तो क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोक्सिल आयन कंसेंट्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट बेस, मान लो फर्स्ट बेस को हम AOH बोल रहे हैं और सेकंड बेस को BOH बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ KB1C1 अपॉन KB2C2। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखो, पी ऑपरेटर, पी ऑपरेटर ये मैथमेटिकल ऑपरेटर सही, तो ये मैथमेटिकल ऑपरेटर जो है वो सिर्फ आयनिक इक्विलिब्रियम में यूज होता है। ठीक है, देखो नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑपरेटर, नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑपरेटर इज कॉल्ड पी ऑपरेटर, नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑपरेटर इज कॉल्ड पी ऑपरेटर, नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑपरेटर इज कॉल्ड पी ऑपरेटर।
तो अब जैसे देखो किसी भी वेरिएबल के साथ अगर हमने इस ऑपरेटर को लगाया हुआ है, जैसे हमने लिखा px, वेरिएबल है x, उसके साथ ऑपरेटर लगा हुआ है p, तो px क्या हो जाएगा, नेगेटिव log ऑफ x, नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑपरेटर इज कॉल्ड p ऑपरेटर, ठीक है। तो लॉगरिथमिक ऑपरेटर उसके साथ क्या, माइनस साइन, तो माइनस log ऑफ x इज px, ठीक। अब जैसे हम लिख रहे हैं ph क्या हो जाएगा, नेगेटिव log ऑफ h, स्टैंड फॉर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। POH क्या होगा, नेगेटिव log ऑफ OH नेगेटिव कंसंट्रेशन, ठीक है। बेसिकली ये जो P ऑपरेटर है ना, इसको एक साइंटिस्ट थे बिलोंगिंग टू डेनमार्क, उनका नाम था सोरेन सोरेनसन, तो सोरेन सोरेनसन ने इस ऑपरेटर को इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने ही पीएच स्केल को डिफाइन किया, ठीक है। तो पीओएच क्या है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। अगर हम बोलते हैं पीकेए क्या होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ के, ठीक है, नेगेटिव लॉग ऑफ के, पीकेबी क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ के, पीकेडब्ल्यू, केडब्ल्यू को बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर और सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, अभी बताता हूं, तो क्या लिखेंगे, नेगेटिव लॉग ऑफ केडब्ल्यू। आप देखो अभी मैंने बोला आपको कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्रोड्यूस्ड। अब यहां पे अगर आप देखो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर बढ़ता है, अगर ये कंसंट्रेशन आप बढ़ाते हो तो लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, भाई लॉग टू से लॉग थ्री बड़ा होता है, लॉग थ्री से लॉग फोर बड़ा होता है, बात समझ में आ रही। तो अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, इसके साथ लगा दिया माइनस साइन, माइनस साइन लगा दिया तो वो हो गया पीएच, इसके साथ माइनस साइन लगाओगे तो क्या हो गया वो पीएच, ये अगर बढ़ रहा है तो पीएच क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो आपको पता है कि अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ता है तो पीएच कम होगा, और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है अगर पीएच कम होता है, समझ में आया कि नहीं। नेगेटिव साइन यहां पे कुछ नहीं बताता, सिर्फ वो वैल्यू को नेगेटिव बनाता है, आई वाज में, और नेगेटिव साइन का यहां पे कोई मतलब नहीं है। जैसे आपने सोच लिया होगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम में बोला था रेट के साथ नेगेटिव साइन लगा दो तो वो डिसअपीयरेंस को इंडिकेट करता है, नहीं भाई ऐसा बोला था ना, यहां ऐसा कुछ नहीं, नेगेटिव साइन मींस नेगेटिव साइन,
क्योंकि पीएच वैल्यू आपको बता दूं नेगेटिव भी हो सकती, पीएच वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती, स्केल बदल दो, टेम्परेचर बदल दो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पीएच वैल्यू 0 to 14 होती है, आप टेम्परेचर अगर कम कर दोगे ना तो वो नेगेटिव साइड पे चली जाएगी, क्लियर। सिर्फ 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे पीएच स्केल 0 to 14 वेरी करता, तो इसलिए जो है ऐसा नहीं है कि पीएच वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, पीएच वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। तो नेगेटिव साइन यहां लगाने का मतलब ये मैं समझता कि पीएच हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि पीएच नेगेटिव भी पॉसिबल है। पी ऑपरेटर से वो नेगेटिव साइन आ रहा है, पी ऑपरेटर का मतलब है नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑपरेटर, तो क्योंकि यहां पे हमने पी ऑपरेटर लगाया हुआ है ना, तो इसलिए ये नेगेटिव लॉग तो लग ही जाएगा हाइड्रोजन आयन के कंसेंट्रेशन के साथ। अब आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखो, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसके कुछ और नाम भी हैं, लिख लो, और सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, और ऑटो प्रोटोलिसिस, ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट ऑफ वाटर, ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट ऑफ वाटर, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर और सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर और ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट ऑफ वाटर। देखो बेटा, पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, सेल्फ आयनाइजेशन रिएक्शन, लिखो सेल्फ आयनाइजेशन रिएक्शन, लिखो वाटर की क्या है रिएक्शन, वाटर प्लस वाटर गिव्स हाइड्रोनियम एन प्लस हाइड्रोक्सिल, ठीक है। तो वाटर प्लस वाटर गिव्स हाइड्रोनियम एन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन, मान लेते हैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के, ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है के। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये है तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा भाई, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इनटू हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन अपॉन H2O कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हाइड्रोनियम आयन का मतलब क्या है, हाइड्रोनियम आयन का मतलब है वाटर प्लस एच पॉजिटिव, बोलो। अगर इसको ऐसे लिखा होता वाटर प्लस एच पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव तब क्या लिखते इसको, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव अपॉन वाटर कंसंट्रेशन का स्क्वायर, तो लिख देते हैं भाई। ठीक है, अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया, तो K क्या आ गया, K is equal to concentration of H positive into concentration of OH negative upon concentration of H2O। लिखो आगे, since water is extremely weak electrolyte, since water is extremely weak electrolyte,
since water is extremely weak electrolyte, therefore its dissociation is negligible. Therefore, its dissociation is negligible. Under such condition, we can say that its concentration varies negligibly. Its concentration varies negligibly because of its dissociation. Under such condition, we can say that its concentration varies negligibly because of its dissociation. मतलब जो उसका concentration dissociation से पहले है, almost वही concentration उसका dissociation के बाद होगा. भाई जब dissociation ही negligible है, तो dissociation की वजह से ही तो concentration को change होना था. और dissociation यहाँ पे negligible range में है, इसलिए concentration constant रहेगा. और अगर concentration constant रहेगा, तो हम इसको एक constant quantity की तरह assume कर सकते हैं. तो constant quantity के साथ होनी चाहिए. समझ आया कि नहीं? तो इसलिए हम इस कांस्टेंट क्वांटिटी को इधर ले जाते हैं और फिर एक नया कांस्टेंट डिफाइन करते हैं. तो आप लिखोगे देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ H2O इज कांस्टेंट. दिस इंप्लाइज K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O इज इक्वल टू H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव कंसंट्रेशन. और इसी को हम बोलते हैं KW. इसी को हम क्या बोलते हैं? KW बोलते हैं. आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. तो KW इज इक्वल टू H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव कंसंट्रेशन. ठीक है. अब अगर हम दोनों साइड में नेगेटिव लॉग ले लें, पहले लॉग लो, अभी तो स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा. तो लॉग ले लिया, क्या लिखेंगे भाई? लॉग के डब्ल्यू इज इक्वल टू लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्लस लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन. लॉग की प्रॉपर्टी यूज किया है यहाँ पे, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बताता हूँ. ठीक है, तो लॉग के डब्ल्यू is equal to log of hydrogen ion concentration plus log of hydroxyl ion concentration. अब हमने minus sign लगा दिया दोनों साइड में, क्या लिखोगे? Minus log KW is equal to minus log of hydrogen ion concentration minus log of hydroxyl ion concentration. तो minus log of KW क्या होता है बेटा? PKW. माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होता है? पीएच. और माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन पीओएच. तो ये आ गया पीकेडब्ल्यू इज इक्वल टू पीएच प्लस पीओएच एंड केडब्ल्यू इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इनटू हाइड्रोक्सिल आयन. ठीक है, तो अब इसी पे बेस्ड कुछ इंफॉर्मेशन और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में और फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. ठीक है, ओके बेटा.